बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यमन की मलका बल्कीस बहुत ही खूबसूरत थी। आग और सूरज की पूजा किया करती थी। वहां के बादशाह शराजीन बिल की मौत हुई तो उसकी बेटी मलका ने सारा तख्त संभाल लिया, सारी बादशाही संभाल ली। हजरत सुलेमान पर अल्लाह तबारक ताला की बहुत नेमतें थी। हजरत सुलेमान को अल्लाह तबारक ताला ने कई नेमतों से नवाज रखा था। जन्नात, परिंदे, जानवर, हवाएं सब की सब हजरत सुलेमान की हकूमत में थी। एक दिन हजरत सुलेमान ने दरबार लगाया, सभी जन्नात परिंदे वहां पर मौजूद थे, लेकिन इनका चहेता परिंदा हुदहुद वहां पर नहीं था। हजरत सुलेमान ने सबसे पूछा कि हुदहुद कहाँ है? हजरत सुलेमान ने फरमाया, हुदहुद ने अगर अपने ना होने की कोई भी वजह ना बताई तो उसको सजा दी जाएगी। अभी ये गुफ्तगु हो रही थी कि हुदहुद वहाँ पर आ गया। हजरत सुलेमान ने पूछा कि तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े ही एहतराम से हजरत सुलेमान को जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगम्बर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया, वहाँ मैंने लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वहाँ के लोग आग और सूरज की पूजा करते थे। उनकी एक मलका है जिसका नाम बल्कीस है। वो एक खूबसूरत तख्त के ऊपर बैठकर हुक्मरानी करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे मोती जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान मौजूद है। हजरत सुलेमान ने हुदहुद से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा पैगाम उस औरत तक पहुँचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए। खत पहुंचाने के बाद वहां पर बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे बताओ। हजरत सुलेमान ने खत लिखना शुरू कर दिया, जो कि कुछ यूं लिखा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की तरफ से मलका बल्कीस को भेजा जाता है, जो हदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरखशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत मलका बल्कीस और उसकी कौम पर दावत इस्लाम थी। हुदहुद परिंदे ने वो खत ले जाकर मलका की गोद में गिरा दिया। मलका उस वक्त अपने तख्त के ऊपर बैठी थी और वहाँ दरबार में मौजूद 300 लोग भी थे। इन्होंने जब ये खत सुना तो वो तैश में आ गए और कहने लगे कि ये हमारी तोहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलका बल्कीस बहुत ही समझदार थी। इन्हें समझाने लगी कि खत से पता चलता है कि ये शख्स बहुत ही समझदार है, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, अगर उसने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उसे जंग करूँगी। लेकिन उसने तोहफा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ने ये सारी गुफ्तगू सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया, शहर के हर रास्ते पर सोने और चांदी का फर्श बिछाया जाए, दरबार को हीरो मोतियों से भर दिया जाए, पूरे शहर को अच्छी तरह से सजा दो। उधर मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तोहफे रवाना किए। उसमें सोने के ईंट, जवाहरात और भी बहुत सा कीमती सामान और मलका का एक खत भी था। जब ये सारा सामान लेकर वो हजरत सुलेमान के शहर में दाखिल हुए, सारा नज़ारा देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान ने मलका के कासदों से कहा, क्या तुम लोग मेरी मदद माल से करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ भी मुझे अल्लाह तबारक ताला ने दे रखा है वो इसे कई ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो और वापस जाओ। अपनी मलका से कहना हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बल्कीस तक पहुंची तो वो समझ गई कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, लिहाजा उसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अपनी इताअत का फैसला कर लिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह पैगाम पहुँचा, आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो मलका को मेरे पास आने से पहले उनका तख्त मेरे पास उठाकर ले आए? वहां से एक जिन बोला, ऐ हमारे प्यारे पैगंबर, मैं आपको आंख चपकने से पहले ही तख्त लाकर हाजिर कर दूंगा। तो फिर हजरत सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा। हजरत सुलेमान अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करने लगे कि उनको अल्लाह तबारक ताला ने हर नेमत से नवाज रखा था।
कहा जाता है कि वो तख्त बहुत ही खूबसूरत था। उस तख्त के बीच मोती हीरे जड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को रद्द बदल कर दिया और इसे पहले से भी बहुत खूबसूरत बना दिया। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई, तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? वो फरमाने लगी, ये तो बिल्कुल इसकी तरह ही है और हमें पहले ही मालूम हो चुका था, हम फरमा बरदार हो चुके हैं। मलका के आने से पहले हज़रत सुलेमान ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हों। शीशे के नीचे से पानी बड़े ही जलवे से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। मलका बल्कीस महल में दाखिल हुई, जब उसने फर्श को देखा तो वो समझने लगी कि लिहाजा ये पानी का एक हौज है। इन्होंने अपने पाँव से कपड़ा ऊपर किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये तो एक शीशे का फर्श है। तब वो बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोल उठी और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करने लगी, या रब्बुल आलमीन, मैं आज तक सूरज और आग की पूजा करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अपनी अतायत कबूल कर ली। लिहाजा बल्कीस को ये जाहिर हो गया, जिस तरह वो शीशे के फर्श को पानी का फर्श समझ बैठी, इसी तरह वो और उसकी कौम सूरज की चमक दमक देखकर उसको महबूद समझ बैठे। वो सूरज को अपना खुदा समझ बैठे थे। उसको अपनी इस गलती पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उस वाक्या के बाद मलका बल्कीस मुसलमान हो गई थी। बाज़ ने लिखा कि हज़रत सुलेमान के निकाह में आ गई थी। बाज़ ने लिखा कि हज़रत सुलेमान ने इन्हें वापस भेज दिया था और उनके लिए 5 महल बनवाए थे। ये थी हमारी आज की इस्लामी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।